मेरी टॉप भी येलो, मेरा हेयर बैंड भी येलो, मेरी इयररिंग भी येलो, गोल्डन है, चलो छोड़ो। हे गाइस, माय नेम इज सानवी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस साल तो हमने ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम्स सिर्फ दिए हैं। सो मेरी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। मेरी आज की वीडियो है ऑनलाइन एग्जाम वर्सेस नॉर्मल एग्जाम। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सिक्स रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब एक बार सोने से पहले भी रिवीजन कर लूंगी, उसके बाद कल सुबह जल्दी उठूंगी तब भी 3 बार रिवीजन कर लूंगी, फिर मेरा 10 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और अभी बैग भी पैक कर लूंगी क्योंकि हमें पहले से रेडी रहना चाहिए। कल कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, चलो फोन से देख लेती हूँ। इंग्लिश, सिलेबस क्या है, चैप्टर 6, 7, 8। धत, इसके तो मैंने नोट्स ही नहीं लिखे और मैं क्लास में भी सो गई थी, अब क्या करूं। चलो अनन्या को फोन कर लेती हूँ। हेलो अनन्या, क्या तुम तो मुझे चैप्टर 6, 7, 8 के नोट्स दे देगी? नहीं, मैंने लिखे हुए हैं, वो मेरे फोन से डिलीट हो गया था और मुझे सिर्फ टैली ही करना है। लिखे तो हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना लिखूं? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। अब लिखेगा कौन, ऐसा करती हूँ फोन से ही पढ़ लेती हूँ। A few moments later. Yes, level 100 भी complete. पर यार कल तो एग्जाम है, चलो छोड़ो, ऑनलाइन ही तो है, और खेल लेती हूँ। चलो कल के एग्जाम के लिए बैग पैक कर लेती हूँ। पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कल तो इंग्लिश का एग्जाम है लेकिन क्या पता जरूरत पड़ जाए। हाइलाइटर्स, क्या पता जरूरत पड़ जाए। एक्स्ट्रा पेंसिल एंड इरेजर, क्या पता मेरे फ्रेंड को जरूरत पड़ जाए। पेंस, वैसे तो मुझे पेंसिल से लिखना होता है लेकिन क्या पता टीचर को जरूरत पड़ जाए। क्रेयॉन्स, क्या पता जरूरत पड़ जाए। पंचिंग मशीन एंड पेंस, क्या पता जरूरत पड़ जाए। और पेंस, क्या पता जरूरत पड़ जाए। मार्कर, क्या पता जरूरत पड़ जाए। नोटबुक्स एंड बुक्स, शायद टाइम मिल जाए तो हम रिवीजन कर लेंगे। चलो मेरा बैग तो पैक हो गया, कल के एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। लैपटॉप, ऑब्वियसली लैपटॉप का चार्जर, वैसे तो लैपटॉप चार्ज ही है पर अगर डिस्चार्ज हो गया तो ये जरूरी है। और बुक्स, क्योंकि कुछ पढ़ा तो है नहीं। एक टैब, अगर लैपटॉप ने साथ छोड़ दिया तो। एक और टैब, अगर बुक से सारे आंसर्स ना मिले तो। एक स्पीकर, अगर बोर हो गई तो गाने सुन लूंगी। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग का एग्जाम 10 मिनट्स बाद स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी है, बट मेक श्योर आप बेल बजने के पहले उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ पेपर और चिट, देन थ्रो इट इन द डस्टबिन राइट नाउ, बिकॉज इफ आई फाइंड इट लेटर आई थ्रो यू आउट ऑफ माई क्लास। ओके, सो सबने ज्वाइन कर लिया है। सो दिस इज योर ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम, जिसमें मैं हर थोड़ी देर पे मॉनिटर करूंगी कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, और मैं मार्क्स सिर्फ उसी को दूंगी जिसने सेल्फ रिटेन आंसर्स दिए हैं, ना कि गूगल से कॉपी करके। आपके पास कोई भी तरह की बुक या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस नहीं होना चाहिए, और सबको हर 10 मिनट्स पे अपना
कैमरे को रोटेट करना होगा 360 डिग्रीज, और कोई भी एक सेकेंड के लिए भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? आज के इन्विजिलेटर कौन है? प्रियंका मैम, इस खड़ूस को ही लगता था क्या इन्विजिलेशन के लिए? लगता है चैन से चीटिंग भी नहीं करने देगी। सो स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स बाद एक बेल बजेगी, तब ही आपको आंसर्स लिखना स्टार्ट करना है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। सो ऊपर एक कॉलम दिया गया है जिसमें आपको अपने नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट लिखना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन, तो वो आपको एकदम क्लियरली लिखनी है जिससे टीचर को समझ आए। सो ये आपका मैथ्स एग्जाम है, इसलिए आपको साइड में रफ वर्क करना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नो चीटिंग, इज दैट क्लियर? यस मैम। सो अभी 10 मिनट्स बाद मैंने जो आपको लिंक दी है उसे मैं ओपन कर दूंगी। अभी वो लिंक क्लोज है, एंड शुरू में आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो आप एकदम सही से टाइप करोगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो कंप्यूटर से चेक होगा, इसलिए मेक श्योर आप कोई भी मिस्टेक ना करें। एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिख के उस फाइल से अटैच करना होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। व्हाई आर यू लुकिंग बैक? सिट स्ट्रेट। आपस में क्या बात कर रहे हो? अपना अपना पेपर लिखो। Why are you cheating? Give me your paper. Now I'm giving you another paper. Start writing from the beginning. Anvi, now rotate your camera. I can't see you. मेरी आवाज भी जा रही है। 360 डिग्री रोटेट, बुक छुपा था। अब तो कैमरा ऑफ ही करना पड़ेगा। Ma'am, see I'm rotating. Ma'am, can you see me? No ma'am, I have switched on my camera. Ma'am, I think you have some network issue. Ma'am, see. सानवी, मेरा नेटवर्क एकदम सही है, सो मेरे साथ कोई भी चीटिंग करने की कोशिश मत करो। नाउ रोटेट। अभी 10 मिनट्स की वार्निंग बेल बज चुकी है, एंड आपका एग्जाम 10 मिनट्स बाद ओवर होने वाला है। तो अभी आपने कोई भी सप्लीमेंट्री शीट ली है तो उसे अच्छे से टाई कर दो, फिर ही आंसर लिखता, क्योंकि मैं बाद में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी। मैम प्लीज 10 मिनट्स, मैम 5 मिनट्स, मैम 1 मिनट, मैम 1 सेकंड। 10 मिनट्स बाद मैं लिंक को सीधे क्लोज कर दूंगी, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। थैंक गॉड ये एक ऑनलाइन एग्जाम है, वरना ऑफलाइन एग्जाम में तो ये लोग अपनी शीट देते ही नहीं थे। यस मैम, आई हैव कंप्लीटेड। ऑनलाइन एग्जाम में किसका पेपर नहीं कंप्लीट होता? बिना पढ़े अगर 100% से कम आए ना तो मेरा नाम भी सानवी। That's all for today's video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। So, bye bye.